सिक्वल बनाओ ना तो भूल भुलैया 3 जैसा बनाओ, अदरवाइज भाई सिक्वल मत बनाओ यार। अभी अभी भाई ये फिल्म का ट्रेलर को रिलीज करा गया हुआ है, और जो लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, ये फिल्म ना एक हॉरर कॉमेडी वाली फिल्म है, और अनीस बज्मी जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने जिस तरीका से हॉरर और कॉमेडी का जो कॉम्बिनेशन भाई ट्रेलर में डाला है ना भाई, ये चीजें देख के लग रहा है इस दिवाली भूल भुलैया वाली होने वाली है सबकी। तो ट्रेलर ही देख के पता चल रहा है कि ये प्रॉपर हार्डकोर लेवल की ना फैमिली ओरिएंटेड वाली फिल्म होने वाली है, और ट्रेलर में जो वन लाइनर्स डाले गए ये चीज को सुनने के बाद ना तुम हंसी नहीं रोक पाओगे, खासकर वो वाला सीन की नेटफ्लिक्स किसने चालू किया हमें, और इसके साथ जैसे मजनू भाई का जो पेंटिंग है भाई उसको भी ट्रेलर में जगह दिया गया हुआ है, जो कि रूह बाबा इसे चुटके बजा के गायब कर देते हैं। इसके साथ साथ ना मैं अपने जिंदगी में पहली बार किसी राजा को ना भाई अपनी रक्षक का ना रक्षा करते हुए देखा हूं यार। ओ ये वाला सीन भी एफेक्ट था यार, मतलब मुझे ये सीन्स को देखने के बाद हंसी तो आ रही थी, बट इसके साथ साथ मैं ये भी चीज सोच रहा था ना कि ये सारे ऑनलाइनर्स पे जब ये पब्लिक थिएटर में देखेगी भाई बोलो का रिएक्शन कैसा होने वाला है। वंस अगेन भाई ये दिवाली में फिल्म तो फाड़ने वाली है, और ऐसा नहीं है कि ये फिल्म के ट्रेलर में सिर्फ कॉमेडी वाले एंगल को भी डाले गए हैं, ना 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 ना, इसमें भाई हॉरर वाले एलिमेंट को भी डाले गए हैं। आमी मौजूली का ओ भाई साहब, जैसे ही विद द वाला एम की एंट्री होती है वो वाला सीन तो अलग ही भाई थोड़ा सा डरावना लगता है। और मजे की बात पता है क्या है, इसमें ना हम सबको ना दो दो मौजूलिका देखने को मिलने वाले, एक तो विद्या बालन एंड देन दूसरी माधुरी दीक्षित, भाई साहब मजा आने वाला है। एक मौजूलिका भाई हम लोग इतना ज्यादा एंटरटेन करती थी, अब इस फिल्म में ना दो दो मौजूलिका को अपने रूह बाबा हैंडल करते हुए दिखाई देंगे, मजा आने वाला है यार। और रूह बाबा के पास एक पावर भी है कि वो चुटकी बजा के हर चीजों को गायब कर देते हैं, देखते हैं भाई वो फिल्म में क्या क्या गायब करते हैं। इसके साथ साथ ना भाई जिस तरीका से ट्रेलर को डार्क रखा गया है ना, ये चीजें ना थोड़ा सा हॉरर तो क्रिएट कर रही है, और पीछे की बीजन भी भाई हॉरर क्रिएट कर रही है, बट इसके साथ साथ जैसे ही वो भूल भुलैया जो इसका सिग्नेचर बैकग्राउंड है वो बसता है तो भाई थोड़ा सा थिरकने मजबूर कर देता है। हाँ कार्तिक आर्यन ना भाई डंके की चोट में बोल दिया, ये दिवाली में मैं आ रहा हूँ बड़ा से बड़ा रिकॉर्ड बनाने, मुझे लगता है कि स्त्री 2 का रिकॉर्ड ना ये फिल्म तोड़ दे, क्योंकि ये फिल्म का ट्रेलर को देखने के बाद लग रही है कि भाई हर वो चीजों को डाला है अनीस बज्मी ने जो एक फिल्म को ना ब्लॉकबस्टर से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर बना सकती है। इसके साथ साथ राजपाल यादव संजय मिश्रा की जो केमिस्ट्री है वो भी भाई गजब ही लगा है, और खासकर संजय मिश्रा जब भी बोलते हैं नेटफ्लिक्स किसने चालू किया मैं, वो वाला सीन भी एपिक है यार, अच्छा लगा है। इससे ही मजे की चीजें पता है क्या है, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित दोनों एक क्लासिकल सॉन्ग पे डांस करने वाली है, आमी जे तुमो जो इसका गाना है अपना, उस गाने पे दोनों डांस करने वाली, दोनों क्लासिकल डांसर भाई बहुत ही औधे दर्जे की है। जब भाई स्क्रीन पे दोनों को लोग ऐसे क्लासिकल डांस करते हुए देखेंगे पब्लिक का रिएक्शन एज्यूम करो गूज़बम्स आ जाएंगे यार। बाकी इस कलर इसके पीछे के बीजीएम भी काफी अच्छी लगी है, और भाई जो विजुअल्स में कुछ कुछ हम सबको देखने को मिला है अच्छा लग रहा है। तृप्ति डिमरी और अपने कार्तिक आर्यन के पेयरिंग भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है यार, मतलब लग रहा है ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कार्तिक आर्यन की खास बात पता है क्या है, इसके सामने ना कोई भी हीरोइन को खड़ा कर दो पता नहीं क्यों यार, ऐसा लगता है कि हर एक्ट्रेस के साथ ना भाई की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा सही लगती है। एक बार ना तुम लोग ना भाई के सारी फिल्मों को उठा के देखना, देखना जिस भी हीरोइन के साथ काम करता है केमिस्ट्री भाई जमा देता है भाई, भाई के पास एक अपना एक टैलेंट, और इसके साथ ट्रेलर में तो भाई छा ही गया यार। तृप्ति डिमरी भी काफी अच्छी लग रही है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग इसमें क्या कहना है, तुम लोग को ये फिल्म के ट्रेलर में कौन कौन सा भाई वन लाइनर्स अच्छा लगा है, तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।